धनबाद के कतरास के जीएनएम हाई स्कूल मैदान से बागमारा से बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में महिलाओं ने पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा में करीब 10,000 महिलाएं शामिल हुई और पैदल यात्रा का नेतृत्व धनबाद सांसद ढुल्लो महतो की पत्नी सावित्री देवी ने किया। यह पैदल यात्रा 3 किलोमीटर चलकर सभा में तब्दील हुई कतरी नदी के पास, और जहां सभा को बीजेपी चुनाव सहप्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने संबोधित करने पहुंचेंगे। बता दें आपको कि बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो बागमारा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, और ऐसे में लगातार उनके समर्थन में रोड शो किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में 10,000 महिलाएं यात्रा में शामिल हुई हैं। कतरास के जीएनएम हाई स्कूल मैदान से बागमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में महिलाओं ने पैदल यात्रा की शुरुआत की, और पैदल यात्रा में लगभग कहा जा रहा है कि 10,000 महिलाएं शामिल हुई हैं, और पैदल यात्रा का नेतृत्व धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने किया है। और यह पैदल यात्रा 3 किलोमीटर चलकर कतरी नदी के पास सभा में तब्दील हुई, और इस मौके पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि बागमारा से ढुल्लू महतो के ही बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट मिला है, चुनावी अखाड़े में है। और बागमारा का भी रन काफी ज्यादा दिलचस्प है, तमाम तैयारियां अपने स्तर पर जारी हैं, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई नजर आ रही है। और इसी का नतीजा ये तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि बागमारा से बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार ताकत झोंकी जा रही है बीजेपी की ओर से। ढुल्लू महतो जो कि धनबाद के सांसद हैं, वो भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह का भी आगमन हो चुका है, बाबूलाल मरांडी ने भी यहाँ पे सभा की है, राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पे सभा की है। तो साफ तौर पे कहा जाए कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों का भी आगमन हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि सभा में हिमंता बिस्व शर्मा, जो कि कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाया है कि हिमंता बिस्व शर्मा धनबाद के कोयला नगर में मौजूद थे, उन्होंने राज सिन्हा के पक्ष में सभा को संबोधित किया और उनके समर्थन में वोट मांगने का काम किया। और अब बागमारा से बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में वोट मांगेंगे हिमंता बिस्व शर्मा, जिससे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ इस रैली की शुरुआत हुई। 10,000 महिलाएं इस रैली में शामिल हुई, जिसका नेतृत्व ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, ढुल्लू महतो भी आपको नजर आ रहे होंगे, लगातार वो भी अपनी ओर से तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं, ताकि उन्हीं के भाई शत्रुघ्न महतो की जीत और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राहुल, देखिए बागमारा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न महतो, ढुल्लू महतो के बड़े भाई, और ऐसे में उनकी उनकी जीत को सुनिश्चित करने तमाम तैयारियां की जा रही है, और पैदल यात्रा भी निकाली गई, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? उस मैदान में हजारों की संख्या में महिलाएं जो है भाजपा का झंडा रोहण पैदल यात्रा कर 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ तक पहुंचे। ये कतरी नदी मैदान में यहाँ पे सभा होने वाली है, जिसमें असम के जो सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो मैं बता दूं, ये जो सभा है उसमें ढुल्लू महतो खुद धनबाद के सांसद वो भी मौजूद रहेंगे, और जब पैदल यात्रा की खुद नेतृत्व कर रहे थे ढुल्लू महतो की वाइफ जो है सावित्री देवी, वो खुद नेतृत्व कर रही थी। अभी भी जो लोग हैं, लोगों के जो हुजूर है भाजपाइयों का, वो लगातार सभा की ओर आ रहा है। अभी भी हेमंत बिस्व शर्मा जो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है मंच है, मंच पर नेताओं का आंदोलन जारी है। दूर दराज आए हुए हम लोग का सभी
वो कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, कुर्सियां है जो कि की भर जाए, कारण इतना भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा भीड़ अभी सड़क पे है और लगातार यहाँ पे यहाँ का रुख आ रही है। यहाँ के चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस तैनात है, सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं, सभी की चेकिंग की जा रही है, बैरिकॉड पुलिस की जो है वो लगातार सड़क पे जो है जाम करवाने में लगी है ताकि लोगों का जो लोगों का जो की जानकारी जरूर लेते रहेंगे वहाँ की क्या कुछ आखिर वहाँ पे माहौल बना हुआ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर कहा जाए कि बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुधर महतो जो कि बागमारा से बनाए गए हैं, उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।